नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने पुलिस कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना, साथ उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया, जिससे सभी के चेहरे खिल उठे। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी की अध्यक्षता में स्वच्छता अभियान के तहत पुलिस लाइन में श्रम दान किया गया। इस दौरान वहां मौजूद सभी ने पुलिस लाइन की साफ सफाई कर अपना अपना सहयोग दिया। आपको बता दें कि ये श्रमदान हर रविवार को किया जाता है। सुल्तानपुर में पूर्व सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा की अस्थि कलश जिले में पहुंचते ही कांग्रेसियों का हुजूम इकट्ठा हो गया। वहीं स्वर्गीय कैप्टन सतीश शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक धम्मौर बाजार पहुंच गए, जहां उनकी अस्थियों के विसर्जन के लिए आखिरी बार एक रथ यात्रा भी निकाली गई। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने कलेक्ट्रेट में मौजूद अपने कक्ष में जनता दर्शन में आए जन सामान्य की समस्याओं को सुना, साथ ही उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने एक दिवसीय दौरे के मद्देनजर गौरीगंज तहसील पहुंची। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में मौजूद उप निबंधक कार्यालय पहुंचकर अपने आशियाने को बनाने के लिए रजिस्ट्री अपने नाम करवाई। इस दौरान वहां डीएम अरुण कुमार और सीडीओ अंकुर लाठर के साथ कई लोग मौजूद रहे। अमेठी में कलेक्ट्रेट पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को वकीलों ने अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए घेर लिया। इस दौरान सांसद स्मृति ईरानी ने वकीलों से बात की और जाना कि सभी को 11 साल हो जाने के बाद भी जिले में अभी तक दीवानी न्यायालय और जिला स्तरीय की कोई भी सुविधा उन्हें नहीं मिली है। वहीं इस बीच उन्होंने सभी वकीलों की समस्याओं का जल्द ही निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। अयोध्या में सरयू विकास समिति के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने किसानों पर बड़ा बयान जारी किया है। अवधेश कुमार ने बताया है कि किसानों का अहित जो भी करेगा, चाहे वो जिला प्रशासन हो या फिर योगी सरकार, जो भी किसानों का विरोध करेगा उसके विरोध में सरयू विकास समिति सबसे आगे खड़ा मिलेगा। अयोध्या में द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के चेयरमैन रिटायर्ड मेजर जनरल एलके गुप्ता के अयोध्या आगमन पर गुप्तार घाट पर मौजूद चरण पादुका मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के संयोजक जयंत कृष्णा और अयोध्या के चैप्टर के सलाहकार अशोक कपूर उपस्थित रहे। प्रयागराज में हंडिया तहसील के ग्राम जनसभा में डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन और नवयुवक मंगल दल के बैनर तले स्वर्गीय तूल जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां मौके पर वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भृंगू राम पांडे, उमेश पांडे और सीओ महोबा राजकुमार पांडे समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। रामपुर के रिजर्व पुलिस लाइन में साइबर सिक्योरिटी के मद्देनजर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां मौजूद साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट राहुल मिश्रा ने सभी को साइबर क्राइम और पॉक्सो एक्ट के संबंधित विस्तृत जानकारी भी दी। इस मौके पर वहां पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम के साथ साथ जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना समेत कई लोग मौजूद रहे। कानपुर में सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर सफाइयों ने हरबंस मोहाल वार्ड नंबर 76 से सिलेंडर की शोभा यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महासपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, अरम्बर त्रिवेदी, कुतुबुद्दीन मंसूरी और पप्पन शर्मा समेत कई अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। जालौन के मुख्यालय उरई की बेटी सुमरा अंसारी यूपीपीएससी की परीक्षा में डिप्टी जेलर के पद पर नामित हुई है, जिसे सभी में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं सुमरा की इस कामयाबी के चलते ही सुबह से ही उनके घर के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है, जहां सभी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उसे बधाइयां दे रहे हैं। लक्सर में बालावली तिराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर अपनी पीठ पर गैस सिलेंडर रखकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां लक्सर नगर अध्यक्ष देवेश राणा समेत कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी समेत कई अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हां, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।